नमस्कार, मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यहां बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, आपके जो T20 वर्ल्ड कप कल फाइनल मैच हुआ जिसमें भारत ने जीत हासिल की साउथ अफ्रीका को हरा करके। ध्यान रखिएगा 19 नवंबर 2023 कहीं ना कहीं उसका मलाल एक हम लोगों के दिल में था कि वो फाइनल में जाकर के हम लोग कहीं ना कहीं हारे, और उस चीज का एक बदला जो कह सकते हैं या फिर उस चीज को एक अच्छे तब्दीली में उस चीज को बदलने का, हार के बाद ही जीत है इस तरीके की बातों को लेकर के हम लोग कल वर्ल्ड कप फाइनल मैच जीते हैं। ध्यान रखिएगा 13 साल का इंतजार खत्म हुआ है। 2011 का जब हम लोगों ने 50-50 वर्ल्ड कप जीता था तो कहीं ना कहीं एक आशा लगी थी 2023 में कि इस बार अच्छा खासा खेल खेलकर हम लोग वर्ल्ड कप के फाइनल में 50-50 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे थे। लगा था कि इस बार 2023 में जो 19 नवंबर को वो एक मलाल रह गई थी सीने में वो कल कहीं ना कहीं पूरा हुआ। ध्यान रखिएगा 13 साल के बाद हम लोगों ने T20 वर्ल्ड कप जो है उसको जीता है। अगर बात करी जाए T20 वर्ल्ड कप की तो 17 साल बाद अगर देखा जाए तो 2007 में हम लोगों ने पहला वर्ल्ड कप, जब T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी वो पहला वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में। और इसी तरीके से अगर बात करी जाए यहां पर ये 2024 के वर्ल्ड कप के बारे में, तो ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये जीता है हम लोगों ने किसके कैप्टेंसी में, तो रोहित शर्मा, नाम आपको पता ही होगा, हिटमैन रोहित शर्मा। चलिए आगे अगर मैं बात करूं इससे कुछ स्पेशल फैक्ट्स को लेकर के, तो इससे स्पेशल फैक्ट्स आपके क्या क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो 2024 का जो ये वर्ल्ड कप था T20 ये शुरू हुआ था आपके 1 जून से, और 1 जून से लेकर के आपके 29 जून 2024 तक ये पूरा एक कार्यक्रम चला था। इसमें अगर मैं बात करूं 29 जून को जो कल फाइनल आपका मैच खेला गया है उस फाइनल मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा करके जीत हासिल की है। ध्यान रखेंगे अगर मैं बात करूं इसका आयोजक कौन है, तो आयोजक की अगर बात करी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो ICC होता है, उस ICC इसका क्या होता है, आयोजक होता है। ध्यान रखिएगा ये जो ICC का संस्करण था T20 वर्ल्ड कप का, ये था आपके 9th नंबर का एडिशन था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मेजबान इस बार मेजबान टीम कौन सी, ध्यान रखिएगा USA जो है ना, USA इस बार क्रिकेट को प्रमोट किया है इसलिए USA इस बार मेजबानी टीम में था। और ध्यान रखेंगे वेस्टइंडीज और USA ने मिलकर के क्या किया है, इसको स्पॉन्सर्ड किया है या मेजबान टीम कह सकते हैं आप इसके लिए। ध्यान रखेंगे कुल टीमों की संख्या 20 थी, कुल टोटल आपके 55 मैच खेले गए थे। जो फाइनल का मैच हुआ था ना कल वो आपके बारबाडोस स्टेडियम में हुआ था, जैसा कि आपको पता है जैसा का एक बयान भी आया था ना कि रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में हम लोग बारबाडोस की जमीन पर हम लोग भारतीय तिरंगा लहराएंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस वादे को पूरा किया, उनके जवान पे कह सकते हैं सरस्वती आई थी। ध्यान रखेंगे एक चीज और है, विजेता टीम भारत 176 रन का टारगेट दिया था 7 विकेट पे। शुरू में देखा जाए तो भारत की स्थिति काफी लड़खड़ाई थी, बाद में भी लड़खड़ाई थी जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था, ठीक है, उप विजेता टीम आपके साउथ अफ्रीका रही, भारत 7 रन से जीता है। अगर इनमें इस पूरे ICC, अगर ICC की मैं बात करूं तो पूरे ICC में लगभग अगर देखा जाए तो 93.8 करोड़ रुपए आपके खर्च हुए हैं। उसी तरीके से विजेता टीम जो इंडिया टीम विजेता रही है उसे आपके 20.42 करोड़ रुपए मिले हुए हैं, और उप विजेता को 10.67 करोड़ रुपए मिले हुए हैं। ये आपके कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं, ये आपके भारतीय टीम की स्क्वाड है, देख सकते हैं इसमें आपके कैप्टेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा कैप्टन के रूप में, और ये उनकी पूरी स्क्वाड है। अगर आगे की बात करी जाए इसमें आप देखेंगे भारत जो है, आपको पता ही है भारत इस बार जो मैच जीता है ना वो 7 रन से जीता है फाइनल का मैच, और 2020 वर्ल्ड कप अपने हाथ में इस बार, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, क्योंकि 76 रन का बहुत बड़ा योगदान, 33 रन या 34 रन का कुछ ऐसा टारगेट था जिस पर 3 विकेट इंडिया के गिर चुके थे, और वहां से अक्षर पटेल और विराट कोहली ने गेम को बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके गए और एक बड़ा स्कोर सामने क्रिएट किया। अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग तो भाई आप जानते ही हैं, लास्ट के जो 17 ओवर में आकर के जसप्रीत बुमराह ने जो गेम को टर्निंग पॉइंट दी ना वो काबिले तारीफ। इसी तरीके से हार्दिक पांड्या भी काबिले तारीफ वाली बॉलिंग किया, तो उन्होंने क्लासेन को आउट किया। डेविड मिलर का वो कैच, ये कैच आप देख सकते हैं, ये वो कैच है जिसकी अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट कैच ऑफ द सीरीज, अगर कहा जाए स्मार्ट कैच ऑफ द मैच के बारे में तो सूर्य कुमार यादव, ये कैच कौन भूल सकता है, अब भुलाए तो भूलेगा नहीं, ये अमर छाप हो चुकी है, पूरी तरीके से अमर हो चुका है ये कैच।
चलिए सर्वाधिक रन की बात करूं तो ये रहमानुल्ला गुरबाज अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, टोटल इन्होंने 281 रन बनाए हैं। और सुदीप ने सबसे ज्यादा विकेट भारत की तरफ से लिए हैं 17 रन, और फजल फारूकी आपको देखा जाए तो 17 विकेट अफगानिस्तान के, ये भी प्लेयर हैं, ये भी उस फहरिस्त में शामिल हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए यहां पर तो विजेता टीमें देखिए, अगर इस नौ एडिशन की मैं बात करूं 2024 2007 से लेकर के 2024 में, तो कुल टोटल अगर देखी जाए तो यहां पर ये टीमें हैं जिन्होंने बार बार ये वर्ल्ड कप जीता है नाइन्थ में। जैसे भारत की बात करें तो भारत दो बार, इंग्लैंड आपका दो बार, वेस्ट इंडीज आपके दो बार, पाकिस्तान आपका एक बार, ऑस्ट्रेलिया आपका एक बार, और आपके श्रीलंका आपके एक बार। ध्यान रखेंगे ये पूरी की पूरी टीम है। भारत 2007 में, ये 2007 की वर्ल्ड कप पता है, इसी साल T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, भारत ने पाकिस्तान को हरा करके ये वर्ल्ड कप जीता था। अगर बात करी जाए आपके इंग्लैंड को तो देख लेंगे, इंग्लैंड भी दो बार आपका है, पाकिस्तान ने भी 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। तो ये आपके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जो होस्ट करता है ना ये T20, जो आईसीसी चैंपियंस आईसीसी की जो ट्रॉफीज होती है उसे होस्ट करता है आपका कौन, आईसीसी इंटरनेशनल जो आपका क्रिकेट काउंसिल होता है। इसके गठन की बात करी जाए तो इसका गठन आपके 1909 में हुआ था। 2005 से पहले अगर बात करी जाए, 2005 में इसका मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया गया था कहां पे, आपके दुबई में। ठीक है, अध्यक्ष इसके ग्रेग बार्कले हैं और उपाध्यक्ष इसके इमरान ख्वाजा हैं। ये आपका फोटो आप देख ही सकते हैं, ये सेलिब्रेशन कौन भूल सकता है। ये एक तरह से अगर एक डेढ़ हफ्ते दो हफ्ते की बात करी जाए ना तो ये एक डेढ़ दो हफ्ते में काफी ज्यादा ये रहने भी वाला है हम लोगों के पूरे दिमाग में। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अपना भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रिच कंट्रोल बोर्ड कह सकते हैं इसे। अगर बात करी जाए गठन 1928 में इसका गठन हुआ था, इसका मुख्यालय आपके मुंबई में है। इस समय वर्तमान अध्यक्ष इसके रोजर बिन्नी हैं और सचिव आपके जयशाह हैं। ये आप देख सकते हैं जयशाह ये हैं। अगर इनकी बात करी जाए इन दोनों लोगों की तो कह सकते हैं कि एक बार वर्ल्ड कप जीतने के बाद अभी कल इन दोनों लोगों ने जो विराट कोहली रोको की टीम है, रोको का एक समूह है, इन लोगों ने कहा कि भाई अब हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के T20 फॉर्मेट से हम संन्यास लेंगे। तो इन्होंने संन्यास की भी घोषणा की है। ध्यान रखेंगे ये T20 फॉर्मेट से एक तरह से संन्यास की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए बस वही चीज है। जाते जाते इनके लिए बस मैं वही चीज कह सकता हूं कि हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। तो ध्यान रखेंगे ये एक तरह से कहा जाए तो आज काफी खुशी कल से ही, रात से ही काफी खुशी मनाई जा रही है। वो 2023 का जो 19 नवंबर का वो कहीं मलाल था वो खत्म हुआ। इसी के साथ कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, आप सभी लोग बने रहें परीक्षा प्लस के साथ, आपको इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।